आदाब नाजरीन, आप तक उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अमीम शरीफ, पेश है आज की अहम खबरें। आदिलाबाद ज़िला कांग्रेस अखिलेश तहसील चेयरमैन शेख कलीम ने दिगर अखिलेती कायदीन के हमरा कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। इन्होंने अपने इस्तीफ़ा का मकतूब AICC और PCC सदूर को रवाना कर दिया। इन्होंने शहर मुस्तकर के प्रेस क्लब में मुनाकिद मीडिया कॉन्फ्रेंस में खिताब में अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी के पास इंसाफ ख़त्म हो गया। इन्होंने RSS नज़रिया रखने वाले पैराशूट लीडर को आदिलाबाद हलके से कांग्रेस पार्टी का टिकट देकर कांग्रेस के सीनियर और हकीकी कायदीन को नज़रअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से हकीकी कायदीन टिकटों से महरूम हो गए। इन्होंने कहा कि शर्म की बात है कि पार्टी के लिए मेहनत करने वालों को टिकट नहीं दिए गए। आदिलाबाद अखिलियती टाउन सदर रसूल खान ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने पैसों के बदले टिकटों को फरोख्त कर दिया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी RSS की हिदायत पर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को हराने का काम कर रहे हैं। इन्होंने मीडिया को मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। आदाब, नमस्कार, जय भीम। आज बड़ा अफसोस हुआ, जो आदिलाबाद का टिकट जो फाइनल हुआ RSS के सिद्धांत जो आइडियोलॉजी रखने वाले को, आज रेवंत रेड्डी साहब के पास इंसाफ खत्म हो चुका है। इस वजह से आज हम आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी चेयरमैन के अहदे से मैं हार हो चुकी है। जैसा कि हम बताए थे कि गैसो मीटिंग में गैसो प्रेस जो दिए थे यहाँ पर प्रेस नोट, कि जब जो इंसान पार्टी के लिए काम करा 15-20 साल से जो इंसान काम करा, उसको टिकट ना देते हुए एक RSS और BJP से जो इंसान आए वाला है उसको टिकट दिए कार्यकर्ताओं की इसमें हार हुई। इसलिए हम पार्टी से और हमारे पोस्ट से रिजाइन करें, जैसा साजिद खान साहब कोरोना में काम करें, सुजाता मैडम काम करें, संजय रेड्डी साहब काम करें। हम रेवंत रेड्डी साहब से ये बोले थे कि दिए तो तीनों में से किसी को एक टिकट दो कार्यकर्ताओं के, इसमें इनका भविष्य रहने वाला है। मगर फिर भी आज पैसों की बुनियाद पर टिकट एक RSS की सोच रखने वाले को आदिलाबाद से दे दिया गया है। आज इसमें हमारी हार हुई, लिहाजा हम कांग्रेस पार्टी से और हमारे पोस्ट से हम आज रिजाइन कर रहे बोल के बोल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेरे साथ टाउन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, मंडल्स कमेटी सारे लोग आज रिजाइन कर चुके हैं और हमारा रिजिग्नेशन लेटर मैं AICC और PCC को भेज दिया हूं और सारे मंडल के प्रेसिडेंट्स, टाउन प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स मुझे रिजिग्नेशन लाके दे दिए और मेरा रिजिग्नेशन लेटर मैं AICC और PCC को भेज दिया हूं। हम ऐसे जो सिद्धांत वाली पार्टी है उसके साथ काम नहीं करेंगे, हम इसलिए आज रिजाइन कर रहे हैं पार्टी से। सत श्री अकाल, मैं आज आदिलाबाद मनियाडी डिपार्टमेंट टाउन प्रेसिडेंट रसूल खान रहा हूँ। आज मुझे तो अफसोस है कि आज आदिलाबाद में 15 साल से कांग्रेस को काम करते हुए आज साजिद खान साहब कोरोना में, और जो मेहनत करे ऑटो सर्विस हर चीज़ की मेहनत करके आज उनको टिकट नहीं दिया गया, और सुजाता मैडम, संजय रेड्डी साहब उनको भी नहीं दिया, तीनों में से किसी को भी एक को टिकट नहीं दिया। इसलिए RSS से जो आए सो लोग महीना दो महीने नहीं हुए, उसको एक अमेरिका से भाग के आया सो वाला एक पैसे के दम पे आज टिकट को खरीद लिया, और रेवंत रेड्डी साहब टिकट पैसे के दम पे टिकट उसको दे दिए। कितने पैसे रेवंत रेड्डी साहब को चाहिए, हर स्थान को टिकट पैसों के लिए खरीद चुके आप। आदिलाबाद से क्या पूरे तेलंगाना में आज आप
सीएम के लायक नहीं हैं आप। आप तेलंगाना को हराने के लिए कांग्रेस को बैठे हैं कांग्रेस के दिमाग से। आज हम ये पार्टी को रिजन करते हुए, हमारे पोस्ट रिजन करते हुए, हम वोट रिजन कर रहे हैं आज कांग्रेस पार्टी से। हमारे कांग्रेस पार्टी से आज से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। हम कांग्रेस पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे। मैं यादलाबाद से मनाडी टाउन पर रसूल खान बोल रहा हूँ, रिजन कर रहा हूँ।